our Chief guest, Sri Mohan Bhagwat Sahib, the present and the sixth Sarasanga Chalak of the Rashtra Seva Sangh on the dais. I also request founder and president Ayman Rishabh Shah to accompany him on stage and felicitate our chief guest with a small token of appreciation. ladies and gentlemen boys and girls as, pl as founder and president of india's international movement to united nations it gives me great pleasure and privilege in order to be able to welcome probably as some say the most powerful man in our country and as others say the ideologue of hindutva today shri mohanji bhagwat बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्ते मैं औपचारिक संबोधन नहीं करूंगा क्योंकि यहां मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं आपको भाषण देने के लिए नहीं आया हूं एक विषय दिया है मुझे उस पर बात करनी है भारत का तरीका यूनाइटिंग द इंडियन वे भारत का तरीका क्या है भारत क्या है जो बताया बतायाषभ जी ने वो बात सही है हो सकता है इन्हें सही है कि नहीं ये मालूम नहीं है मुझे क्योंकि शशि थारू जी से मेरी ऐसी बात कभी हुई नहीं लेकिन कहते हैं कि उनकी आइडिया और हमारी आइडिया में डिफरेंस है लेकिन ये भी बताया गया कि जो आइडिया है वो भारत की है और यही भारत की विशेषता है कि आइडिया ऑफ इंडिया में आपकी मेरी आइडियाज भी अलग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक दूसरे के हैं हम इस देश के हैं और क्योंकि मत तो अलग अलग रहते ही है और रहने भी चाहिए मत अलग अलग नहीं होते दुनिया में ये डिफरेंस नहीं होता डाइवर्सिटीज नहीं होती तो दुनिया कितनी उबाऊ बन जाती बोर हो जाते सब लोग डायवर्सिटी है इसलिए जीवन में रंग है रंग बिरंगापन है इसलिए उसका आकर्षण है उसको जीने में व्यक्ति अपने आप को सार्थक मानता है और इसलिए इस डायवर्सिटी को हमने सदा एक्सेप्ट किया है वी है एक्सेप्टेड इट इट इज नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर अस वो हमारा कन्विक्सन है हमने ऐसा ही दुनिया को समझा है बड़ा पॉपुलर फ्रेज है हम सभी उपयोग करते करना भी चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए ऐसा कभी कभी मुझे लगता है दीज आर डाइवर्सिटीज ऑफ द सेम यूनिटी हमारी आइडिया यह है एग्जिस्टेंस इज वन और इसलिए जब बात होती है यूनाइटिंग द वर्ल्ड तो क्यों यूनाइट होना है वॉट दिज दर्पज हम संकट में हैं इसलिए एक होना है या हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव है जिसके लिए वर्ल्ड को यूनाइट करना है आपका पर्पज क्या है क्यों करना ही है ये सब अपने अपने घर में खुश क्यों नहीं रहते हम लोग क्यों इस झंझट में पढ़ रहे इतने सारे दुनिया को एक करने के प्रयोग हो गए सबके सब फेल हो गए एक करने चले थे और नए डिविजन्स आ गए अब आप हम क्यों ऐसा कर रहे तो बड़ा सिंपल आंसर है और वही टिकेगा पर्पज होगा तो कम वाट में हम सारी दुनिया को एक कर सकते हैं क्योंकि दिल की प्रामाणिकता से हम ये कह सकते हैं कि हमको एक इसलिए होना है कि हम एक हैं हमारी हमारी विचार परंपरा बताती है कि ये डाइवर्सिटीज देर आर डाइवर्सिटीज बट देर एक्सप्रेशन ऑफ द सेम यूनिटी and therefore it is imperative some day or other you have to see us all as a single whole hum ek hai ye fact hai isliye humko ek ban ke rehna chahiye उससे हमारा स्वार्थ थो थोड़ा मार खाएगा तो भी हमको एक बनकर रहना चाहिए हम एक नहीं हुए तो कोई कमी नहीं होगी हम सुरक्षित रहेंगे फिर भी हमको एक रहना चाहिए इसमें एक अनसेल्फिशनेस आता है एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पज मिलती है और इसलिए भारत का तरीका क्या है उसमें यहां से प्रारंभ होता है भारत वॉन्ट्स टू यूनाइट वर्ल्ड बिकॉज वर्ल्ड इज वन existence is one इसलिए यूनाइट करना है और यूनाइट करना ही यानी क्या करना है तो अनेक है उसको एक करना है तो एक तरीका एक है कि वो एक की कल्पना आपकी जो है वो जिसको फिट होती है उसको रखो बाकी निकाल लो तो भी एक होता है लेकिन यह हमारा तरीका नहीं है जो ये मानेगा वही रहेगा बाकी लोग नहीं रहेंगे इसके लिए उपयोगी जितने हैं वही रहेंगे बाकी लोग नहीं रहेंगे यह यूनाइट करने का तरीका नहीं होता है यह एलिमिनेट करने का तरीका होता है भारत का तरीका यह कभी नहीं था क्योंकि भारत सब प्रकार की डाइवर्सिटीज को टॉलरेट नहीं केवल एक्सेप्ट करता है रिस्पेक्ट करता है और उनको साथ चलाता है बिना मिटाए ऑल डाइवर्सिटीज आर यूनाइटेड इन टू वन होल, विदाउट लूजिंग देयर ओन स्पेसिफिकनेस स्पेशलिटीज यह हमारा तरीका है कभी रहा होगा प्राचीन समय में अपना भारत उसकी जनसंख्या कम लोग एक ही प्रकार के ऐसा रहा होगा पता नहीं इतना पीछे इतिहास भी अभी गया नहीं लेकिन जब से इतिहास ने आंखें खोली उसने तो यही देखा कि भारत में डाइवर्सिटीज है फिर भी भारत एक है जनम विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मान पृथ्वी युक दुनिया का प्राचीन साहित्य एंशंट स्क्रिप्चर्स वेद है उसमें अथर्व वेद है उसमें ये रुचा है कि इस धरा पर अनेक भाषाओं के बोलने वाले अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और सबका पालन ये धरा करती है, तो इन सब विविधताओं को लेकर एक संपूर्ण के नाते जीना ये हमारा स्वभाव है वही भारत है तो भारत की विशेषता क्या है बाकी सब जगह जैसे लोग हैं, वैसे यहां भी है बाकी सब जैसे इतिहास के उतार चढ़ावों में से सारे देश जाते हैं यह भी है लेकिन उतार चढ़ावों से गुजरते गुजरते देश के देश विलुप्त तो हो गए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ये क्या हस्ती है जो नहीं मिटती वो हस्ती यही है कि ये सब एक पूर्ण है इसलिए सबका स्वीकार करना है सबका सम्मान करना है सबको साथ लेके चलना है अपनी अपनी श्रद्धा का आदर करो सबकी श्रद्धाओं का आदर करो और मिलकर चलो आपका डिफरेंट होना आपको हमसे सेपरेट नहीं करता बीइंग डिफरेंट इज अवर नेचर लेकिन हमको सेपरेट होने की आवश्यकता नहीं विविधता का मतलब अलगाव नहीं होता है तो फिर यूनाइट करना यानी क्या करना क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज ए मस्ट विदाउट यूनिफॉर्मिटी देर इज नो यूनिटी आप दो भाषा बोलते हैं तो आपकी हमारी नहीं पट सकती क्योंकि भाषा बोलने वालों का एक गुट हो जाता है उस गुट के हित संबंध होते हैं आपकी पूजा अगर एक प्रकार की नहीं है तो आप साथ नहीं दे सकते आप किस प्रांत के रहने वाले हैं उस प्रांत के साथ आपके हित संबंध जुड़ जाते हैं अन्य प्राप्तों के साथ आप एक नहीं हो सकते अगर एक करना है तो कुछ अलग नहीं होना चाहिए भाषा एक देवी देवता एक पूजा खान पान रीति रिवाज सब कुछ एक अगर मेरा बस चले तो कपड़ा भी आपका एक होना चाहिए और मेरा बस चले तो आपकी हाइट ब्रेड सब कुछ एक एक ही होना चाहिए वो नहीं होता है लेकिन क्या यह सही है इस इस प्रकार अगर कर भी दिया हमने तो भी वो यूनिटी नहीं होगी आखिर सब डायवर्सिटीज को हमने एलिमिनेट कर, कर दिया लोगों को नहीं किया लेकिन उनकी डाइवर्सिटी कर दिया सृष्टि के सौंदर्य को उसकी सुंदरता को हमने कम कर दिया ये बात होगी और अपनी भाषा अपनी पूजा लेकर जीने वालों का जीने का अधिकार हमने नकार दिया यही होगा वो भी भारत का तरीके नहीं होता इसके प्रयोग हुए और ये देखा गया क्योंकि जिस आधार पर हम कहते हैं कि हम सब एक है अलग अलग होने पर भी यानी अलगाव नहीं डिफरेंट होने पर भी विविध होने पर भी हम एक है वो जो एकता का सूत्र है वो हमने नहीं बनाया वो प्रकृति में आया है चलता आया है जो भगवान मानते हैं वो उसको कुछ नाम देते हैं जो भगवान नहीं मानते वो उसको दूसरा नाम देते लेकिन इट नॉट बीन मेड बाय और भाषा तो मेरी अपनी मैंने बनाई नहीं नहीं मैंने नहीं बनाई मेरे पूर्वजों ने बनाई देवी देवताओं का जो वर्णन उसको लेके एक रिलीजन उसको लेके एक पोथी एक मसीहा ये सारा ये हमने बनाया वो हमारी मान्यता है खान पान रीति रिवाज सहन रहन सहन हमारे यहां के भूगोल और आबो हवा के अनुरूप हमने अपने बनाए अपनी रुचि के अनुसार भी बनाए ये सारी मानवनिर्मित तो जो बातें हैं वो जबरदस्ती दूसरों पर थोप कर एकता नहीं होती इसके तरीके अलग अलग रहेंगे उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये भारत का विचार है और इसलिए यूनिफॉर्मिटी उसको निकाल दो वो नहीं दैट इज नॉट एन ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी डायवर्सिटी हमेशा रहेगी मर्जर ये भी नहीं है मर्जर में भी एक आइडेंटिटी नष्ट हो जाती है बड़ी आइडेंटिटी टिकती है तो फिर हाउ टू यूनाइट द वर्ल्ड मुझे लगता है यूनाइट की जगह अच्छा शब्द है कनेक्ट आप एकता में सबकी विविधता देखना चाहते हो ऐसी यूनिटी तो वो यूनिटी ये कनेक्टेडनेस से आती है आप और मैं दिखते डिफरेंट है बोलते डिफरेंट है पूजा अलग करते हैं सब अलग करते हैं फिर भी हम परस्पर आत्मीयता से जुड़े हैं जैसे एक परिवार में लोग होते हैं सबका अपना अपना पेट है सब लोग भोजन करेंगे तो उनका अपना पेट भरेगा बाप ने भोजन किया पुत्र ने नहीं किया पुत्र का नहीं भरेगा पुत्र ने भोजन किया बाप का नहीं भरेगा लेकिन सबका भोजन करने के बाद खाद्य पदार्थ समाप्त तो हो जाता है खिलाने वाली माता है उसके लिए कुछ बचता नहीं माता को कोई पूछे कि आपके लिए तो कुछ नहीं बचा वो दी कोई बात नहीं सबका पेट भर गया उसी में मेरा पेट भी आ गया ये कहाँ से आया इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल और फिजिकली इट कैनॉट बी प्रूव्ड उल्टा उसको डिस्प्रूव ही करेंगे डिस्प्रूव हो ही भी सकता है और मटेरियल फैक्ट वही है लेकिन लगता है कभी कभी अपने को दुख में डालकर भी दूसरों के सुख को बढ़ाने में मनुष्य आनंदित होता है देर आर लाइन वॉरियर्स उनको पता नहीं है कि कोरोना का डेंजर क्या है लेकिन अपने जान को खतरे में डालकर वो सेवा करते हैं उसमें कुछ लोग चले भी जाते हैं चले जाते हैं इसलिए बाकी लोग छोड़ नहीं देते और दुगने उत्साह से आगे बढ़ते क्यों हमारे यहाँ एक राजा रंतीदेव हो गए उन्होंने ये कहा न तव हम काम ये राज्यम न वो न स्वर्गम न अपुनर्भव मुझे राज्य नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम दुख से दग्ध दुख से तप्त ऐसे जो प्राणी है दुख से संतरस्त ऐसे प्राणियों की पीड़ा को दूर करने में ही मुझे जीवन का समाधान है क्योंकि मनुष्य की यह विशेषता है कि वो सेंसिटिव है और सेंसिटिव केवल अपने प्रति नहीं है सबके प्रति है कोई बैल चारा खा रहा है दूसरा बैल आता है तो उसको मार भगाता है जब तक इसका खाना नहीं होता और उसका पेट भरने के बाद उस घास का क्या होता है वो चिंता नहीं करता कल के लिए बांध कर ले नहीं जाता घर पर कोई खाए उसको ना खाए उसको परवाह नहीं है मनुष्य का ऐसा नहीं है मनुष्य भोजन करने के लिए बैठे और सामने कोई भूखा आ जाए तो या तो उसको देगा बाद में खाएगा या तो उसको धुतकार देगा भगा देगा बाद में खाएगा कुछ भी नहीं हो सकता जैसे ट्रेन में बैठे कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाते अब देना नहीं है अगर मन में तो खाए तो मैंने ऐसे लोग देखे जो खिड़की के तरफ पीठ करके भोजन करते उसको सामने के वो भोजन नहीं कर सकते तो उनको देना नहीं है वो बड़े उदार दिल के वगैरह नहीं वो नहीं दे रहे एक चार रोटी उनके पास है एक रोटी उसको देना नहीं चाहते वो ऐसे वो पत्थर जिल है फिर भी उसको आंखों के सामने रखकर भोजन नहीं कर सकते और उल्टा भी होता है मनुष्य संग्रह करता है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जिनके पास ज्यादा है वही ज्यादा संग्रह करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास संग्रह भी नहीं होता इसलिए मनुष्य विचार करता है सोचे तो नर का नारायण बन सकता है नहीं तो नराधम भी बन सकता है लेकिन मनुष्य नर का नारायण कैसे बनता है तो वो इस कनेक्ट का विचार करता है ये सोचता है कि आई एम कनेक्टेड विथ एवरीबडी एंड एवरीथिंग और इसलिए हमारा उपाय क्या है भारत की परंपरा का तो हमने कहा है ये पूरा विश्व इट इज अ फैमिली वसुधैव कुटुंबकम दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलेगा चलना चाहिए चलेगा भी लेकिन व्यापार दुनिया को जोड़ने का तरीका नहीं हो सकता दुनिया में सत्य की खोज चलती है तो उसमें से अनेक पंथ उपपंथ भगवान को मानने वाले न मानने वाले सब प्रकार के निकलते हैं वो है और आगे भी रहेंगे लेकिन वो जोड़ने का माध्यम नहीं हो सकते यूनाइटिंग फैक्टर नहीं हो सकता यूनाइटिंग फैक्टर एक ही हो सकता है कि हम सब लोग एक ही सूत्र से जुड़े हैं उस सूत्र का पता ना लगाने वाले अगर कोई संत महात्मा साधु फकीर वगैरह है तो कहते भगवान है और ऐसे नहीं है साइंटिस्ट है तो कहते हैं कि वो पार्टिकल्स है हिग्स बोसोन उनको जोड़ता है कैसे जोड़ता है हमको मालूम नहीं अभी लेकिन सारे आप भी एटम एटम और उसके अंदर जो क्वार्क्स वगैरह वो सब आप भी वही हो टेबल भी वही है मैं भी वही हूं लेकिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड ये विज्ञान भी कहता तो ये जो है हमारी एकता का सूत्र पहले से हमको खोजने की जरूरत नहीं भारत ने कहा कि इसी को आधार बनाओ हम सब जुड़े हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा रिलेशन है नाता संबंध इस अर्थम <laughs> और इसलिए इसके आधार पर हमको जुड़ना है तो फिर जोड़ने का भारत का तरीका इन दो फंडामेंटल्स फर्स्ट इज ऑनेस्टी ऑफ पर्पज हमको विश्व को क्यों जोड़ना है विश्व का लीडर बनने के लिए नहीं जोड़ना है लीडर हम बने नहीं बने वो विश्व को सोचना है बनना पड़ेगा विश्व हित के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे और जबरदस्ती अपने आप को लीडर बनाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय एंट्री चलता है उसमें हम नहीं जाएंगे लेकिन हमको यह है कि हम सब कनेक्टेड है और जो हमारे पास है वो हम दुनिया को देंगे जिसका अनुभव हमने लिया हमारा उसके कारण भला हुआ हम दुनिया में भी सबको देंगे लेकिन तरीका क्या होगा ऐसा ही सोचा होगा आज भले ही उसके परिणाम कुछ भी दिखाई देते हो और उसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति घुस गई हो या कुछ भी हो गया हो पहले तो ऐसे ही सोचा होगा कि मेरे पास कुछ है अच्छा है मेरा भला हुआ सारी दुनिया को देता हूं और देने के लिए गए तो लोगों ने कहा नहीं चाहिए अरे नहीं कैसा चाहिए भाई समझाया नहीं समझे लोग तो फिर लाठी दिखाई देखो चुपचाप ले लो मेरे पास वो भला है अच्छा करेगा नहीं मानते तो मारूंगा ठंडा फिर भी नहीं तो मारपीट हुई और हम देखते हैं कि अपने मतों पर दूसरों को थोपने के लिए खून की नदियां दुनिया में दुनिया को एक करने वाला दुनिया को सुख का रास्ता दिखाने वाला शांति सिखाने वाला ऐसा ही विचार सबका है ऐसा लोगों ने कहा है और हमको अविश्वास करने का कारण नहीं जिस स्पिरिट में ऋषभ जी ने कहा कि भाई कुछ भी हो आपका विचार कुछ भी हो उनका विचार कुछ भी हो भारत में इतने लोग हैं उनका सबका विचार अलग अलग रहेगा इस स्पिरिट में और उन्होंने जो किया उसके नतीजे तो उल्टे निकले क्यों क्योंकि इन दो बातों के आधार पर जो तरीका होता है वो एकदम अलग होता है वो ऐसा नहीं होता है हम भी सारी दुनिया में गए हैं दैट इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री मेक्सिको से साइबेरिया तक जब ये कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे छोटी नौकाओं में बैठकर सागर पार गए हैं पैदल चल के हिमालय पार चीन जापान में गए हैं और किसी एक देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा बोले कि भारत के लोग हमारे यहाँ आए उन्होंने हमको लूटा उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किया एक भी नहीं मिलेगा हर देश में भारतवासी जब जाता है तो लोग देखते कि ये लोग आए थे उन्होंने हमको एक तत्व ज्ञान दिया इन्होंने हमको गणित दिया इन्होंने हमको आयुर्वेद दिया इन्होंने हमको सभ्यता सिखाई हम देंगे तो कैसे देंगे अपने व्यक्ति को देंगे यूएन संघ आया भारत में यूनिवर्सिटीज में गया ही स्टडी और जाने के लिए साथ में बहुत सारी बुक्स ग्रंथ उस समय वही मींस थे नॉलेज ले जाना है यानी एक तो आपकी मेमोरी है दूसरा ग्रंथ है तो ग्रंथ भर के नौका में बैठ कर ले गया लेकिन गंगा पार करते समय नौका बीच में डूबने लगी हिचकोले लेने लगी खेवैया ने कहा कि वजन कम करो तो उसके आंखों में आंसू आए इतने सारे ग्रंथ मेहनत से जमा किए उस समय कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलते थे हाथ से उतार लेने पड़ते थे इतनी मेहनत करके ये सारा ग्रंथ जम्बार अब इसको पानी में डालना पड़ेगा तो उसको छोड़ने के लिए तीन लोग आए थे तीनों लोगों ने कहा आप चिंता मत करो इतने दूर से आप आए हो ज्ञान लेके अपने देश में जा रहे हो आपका उद्देश्य पूरा होगा एक के बाद एक तीनों लोगों ने गंगा में कूद कर अपने प्राण दे दिए लेकिन यूएन संघ को ज्ञान लेके चाइना में जाने का रास्ता प्रशस्त किया हमारा ये तरीका होता है क्योंकि हमारा पर्पज ऑनेस्ट है हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आज हम जाएंगे हम युवा लोग हैं हम जाएंगे तो हम भी क्योंकि आखिर यू हैव टू कम अप थ्रू दी एग्जिस्टिंग एटमोस्फियर हम जो कल्पना कर रहे हैं वैसा एटमोस्फियर नहीं है तो हमारा टास्क कैसा है स्क्वेयर पेग इन राउंड होल्स हमको इस सारी इंट्री को पार कर रहे है, अपने को बचाते हुए पार करना पड़ेगा हमारा ये विचार बहुत अच्छा उदात्त तो सत्य है हम दुनिया भर में इसको बोलेंगे लोग तालियां बजाएंगे बहुत अच्छा बोला आपने कहेंगे करेगा कोई नहीं ध्यान रखिए करेगा कब जब आपके पास ताकत है आपके पास सब प्रकार की ताकत है लोग आपको सुनेंगे आप कुछ भी बोलेंगे उसको हाँ हाँ करेंगे और आप कहेंगे तो करेंगे भी दुनिया तो ऐसी है इसलिए हमको इसमें से जाना पड़ेगा लेकिन जाते जाते हम इस बात को भूल न जाए कि हमारा तरीका नहीं है हम जब इससे बाहर निकलेंगे तो हम सारी दुनिया में इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे कि तरीका दूसरा है ये नहीं है जबरदस्ती नहीं है तो क्या तरीका रहेगा हमारा तरीका पक्का है पहली बात है कि हम चलेंगे सत्य पर हम चलेंगे संवेदना के आधार पर जिसको करुणा कहते हैं करुणा यानी केवल दया नहीं दया भी उसका एक अंग है लेकिन दूसरे के लिए मन में संवेदना दूसरे के लिए उसका भला हो यह अपने मन में जब आता है तो वो करुणा है अपने भाइयों के प्रति ऐसा रहता है मिलता है, तो हम सोचते क्यों भाई, ठीक से पास हुआ ना अपनी इच्छा रहती ही मस्ट डू समथिंग ही मस्ट अर्न समथिंग सद्भावना रहती वो भी करुणा का अंग है तीसरी बात है कि हम पवित्र उद्देश्य लेकर चल रहे तो पवित्र साधनों का ही उपयोग करेंगे हमको बचा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा फिर क्योंकि यह मैसेज देने वाला और कोई नहीं है दुनिया में हमको ही बचना पड़ेगा उसके लिए और इसलिए सुचिता अंतरबाह शुचिता बोलेंगे भी करेंगे भी सोचेंगे भी पूर्वक सोचेंगे और चौथी बात है कि ये भाषण में बहुत अच्छा है यहां मैं बोल के चला जाऊंगा आप सुन के चले जाएंगे लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है हो सकता है एक शतक चला जाए इट विल बी ए कॉन्स्टेंट इंडिवर ऑफ एटलीस्ट फाइव जनरेशन तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी बिना थके उसको करना पड़ेगा तो ऐसा एक लॉन्ग एफर्ट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूश अपने आप को अपनी स्वयं की कॉन्स्टिट्यूशन को अपने समाज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमको बनाना पड़ेगा मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं अपने प्रकृति की बात कर रहा हूं यह हमको करना है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान प्रदान करने के जो दो भाषण किए संसद में उसमें एक में कहा था उन्होंने कि स्वातंत्र और समता दुनिया को एक साथ नहीं मिल सकी क्योंकि एक साथ तभी मिल सकती है जब बंधुभाव है उस बंधुभाव का ही नाम धर्म है हम इसको धर्म कहते हैं भागवत में धर्म की चार वैल्यूज बताई है वो अभी जो मैंने बताई सत्य करुणा शुचिता तपस पूजा वगैरह नहीं बताई उसमें पूजा हो सकती है धर्म का एक छोटा अंग हो सकता है लेकिन धर्म यानी चार वैल्यूज पर जो आप करेंगे वो धर्म होगा क्योंकि उसमें एक बैलेंस है वो हमेशा मंगल ही करेगा और वो सबको जोड़ेगा जो धारणा करता है उसको धर्म कहते हैं जो पकड़ के रखता है गिरने नहीं देता सबको जोड़ता है बिखरने नहीं देता और उन्नत करता है नीचे नहीं जाने देता वो धर्म है उस तत्व को लेकर हम चलेंगे और इसलिए हमारा रास्ता होगा कॉन्सेंसस उसके लिए डायलॉग तो हम संपर्क रखेंगे हम आना जाना रखेंगे हम एक्सचेंज करेंगे हम बात करेंगे और बात में से लोगों को सिखाएंगे दूसरी बात है कि एक और डुअलिटी चलती है आजकल कि विज्ञान की अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की मटेरियलिज्म यानी साइंस इट इज नॉट ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी दे नीड नॉट बी ऑलवेज एट लॉगर और जितना साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन रिपीटेशन इन सब का महत्व है उतना ही स्पिरिचुअलिटी में भी है आप याद करो वो प्रसंग स्वामी विवेकानंद ने बहुत लोगों को पूछा भगवान को देखा है क्या देवेंद्रनाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ जी के पिताजी उनको पूछा देवेंद्र नाथ जी ने कहा अब क्या देखा तो नहीं था और झूठ तो बोलेंगे नहीं तो उन्हें कहा तुम्हारी आंखें बहुत तेजस्वी है उन्होंने कहा यह बातें मत बनाओ मैंने सीधा प्रश्न पूछा उत्तर दो उनका नहीं देखा है तो फिर आपका तत्व ज्ञान बेकार है लेकिन दक्षिणेश्वर में एक अशिक्षित बैठे थे पुजारी उनको पूछा क्या आपने भगवान को देखा है तो उन्हें कहा देखा है रोज देखता हूं तुमसे जैसी बात कर रहा हूं वैसे उससे बात करता हूं और अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी यह कर सकोगे सौ प्रकार की परीक्षाएं लेकर उनके रास्ते पर विवेकानंद चले तो अंधभक्ति से नहीं चले उसके पीछे चले जिसने बताया हाँ, मैं करता हूं तुमको दिखा सकता हूं स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान इसमें एक्सप्लोरेशन का तरीका अलग है एक मटेरियल वे एक स्पिरिचुअल वे है का रास्ते जाता है और इसलिए इनका विरोध कहीं नहीं है जो पश्चिम में झगड़े मचे हैं साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट दिस सेक्ट वर्सेस दैट सेक्ट नेशन वर्सेस इंटरनेशनलिज्म बेकार के झगड़े हैं क्योंकि एक समझ अधूरी रह गई उनकी गलत नहीं है अधूरी है जरूर सब कुछ छोड़ दो ऐसा नहीं है लेने लायक भी बहुत कुछ है लेकिन जहां वो इनकम्प्लीट है हमको फुलफिल करना है हम कर सकते हैं इन सबको जोड़ने वाली बात हमारे पास है और इसलिए इन सब ड्युअलिटीज में कोई विरोध नहीं है ये समझ के बैलेंस्ड होके हम चलेंगे स्टार्क मटेरियलिज्म विल मेक यूर लाइफ हेल्थ और केवल स्पिर विल ऑल्सो लीड यू टू डार्कनेस ये उपनिषेदों ने कहा मैं नहीं कहा हूं केवल विद्या की उपासना करते अविद्या की उपासना करते तो डार्कनेस में जाओगे और केवल विद्या की उपासना करते तो उससे ज्यादा गहन अंधकार में फंसोगे दोनों को प्राप्त करो अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या या मृत अश्नते उसका भी उपयोग करो मृत्यु पर विजय करो और अमृतत्व प्राप्त करो विद्या का उपयोग करके इस बैलेंस को लेकर हम सब जगह चलेंगे नहीं तो ड्यूअलिटी का मैनेजमेंट दुनिया के पास नहीं है वो हमारे पास है और हमारा व्यवहार सबका अपने समाज में एक देश के नाते या बाहर दुनिया को देखते हुए ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल ऐसा होना चाहिए अपनी स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद आप देखिए इतिहास भारत में किसी की सरकार रही हो कोई पार्टी रही हो अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्व शांति के जितने प्रयास हुए सही हो गलत हो सच्चे मन से हो हाइपो क्रिटिकली हो लेकिन घोषित पर्पज अगर विश्व शांति का है झगड़े मिटाने का है तो हमेशा भारत उसमें एक प्रमुख सहयोगी रहा है बाकी लोग अपने हाइपोक्रेसी के का कारण उससे अलग हो गए लेकिन भारत बना रहा है अभी तक यह है क्योंकि ये हमारा तरीका है जब जब दुनिया में आपत्ति आई हमारा जितना सामर्थ्य था, था हमने सहायता की अभी हमारा सामर्थ्य बढ़ गया है तो हमने मालदीव को पानी दिया हमने जिहादियों के संघर्षों की आग में से वहां के नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर छुड़ा के लाया ऐसा पहले भी हमने कहा है श्रीलंका में पीस कीपिंग को फोर्स हमने भेजा है वो सही था गलत था बात अलग है उसके पीछे स्पिरिट क्या था हमारा कोई दायित्व है दुनिया के प्रति क्योंकि हमारा कुटुंब है इस बात को समझाना है तो जैसा मैंने कहा डायलॉग एंड कॉन्सेंसस एक बात है कॉन्सेंसस होते तक रुकना इम्पेश करना देर आयत दुरुस्त आयत ये मंत्र रहेगा और दूसरी बात है कि उससे भी ज्यादा स्पीडीली और ये डायलॉग और कॉन्सेंसस भी इफेक्टिव हो इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे तो पहले हमको भारत का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा भारत ऐसा है ऐसे भारत को होना पड़ेगा और आजकल केवल होने से लाभ नहीं होता ना दिखाना भी पड़ता है पहले ऐसा नहीं होता था जो है उसको लोग देख लेते थे वो दिख जाता था तब लोग उसको मानते थे आजकल जो नहीं है वो भी दिखता है और दिखाते भी है जो है उससे बिल्कुल उल्टा दिखाने की भी विधियां प्रचलित है इसलिए भारत को ऐसा होना पड़ेगा और भारत को ऐसा दिखना भी पड़ेगा और दूसरी बात है कि भारत ऐसा है भारत ऐसे दिखता है इतना काफी नहीं क्योंकि दुनिया को हर सत्य के पीछे कोई शक्ति चाहिए तब दुनिया मानती है और इसलिए भारत को सभी बातों में नंबर वन होना पड़ेगा अर्थव्यवस्था हो सामरिक बल हो ज्ञान शक्ति हो सभी बातों में भारत को श्रेष्ठ होना पड़ेगा भारत को अपना उदाहरण दिखाना पड़ेगा और भारत को बोलना पड़ेगा भारत ही बोल सकता है अधिकारवाणी से और कोई नहीं लोग बोल सकते आज की तारीख में जो भी हमारा अपने स्वतंत्रता के बात का रवैया रहा है इतने दिनों का वो क्यूमलेटिव है मैं किसी एक को नहीं उसका क्रेडिट दे रहा हूँ और केवल पॉलिटिशियंस को भी क्रेडिट नहीं है पूरे भारत का जो व्यवहार रहा है समाज का व्यवहार तंत्र का व्यवहार शासन का व्यवहार राजनीतिक दलों का व्यवहार कुल मिलाकर नतीजा ये है कि आज की तारीख में अवर कंट्री भारत इज द मोस्ट बिलीव्ड कंट्री बिलीव्ड इन कंट्री इस क्रेडिबिलिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा उसको शक्ति की जोड़ देनी पड़ेगी अपना उदाहरण रखना पड़ेगा और भारत का ये तरीका होगा कि भारत सारी दुनिया को अपना मानकर किसी भी छोटी सी डाइवर्सिटी मिनिस्कुल माइनॉरिटी में भी हो तो भी उसके सम्मान प्रतिष्ठा सुरक्षा की चिंता करते हुए सब अपने अपनी विशिष्टता में चलेंगे अपना अपना जीवन अपने तरीके से लगाएंगे जलाएंगे और दुनिया को कंट्रीब्यूट करेंगे ये यूनिट्स है जैसे अपने शरीर एक एक अप्रगत पहला जीव है अमीबा उसका कुछ नहीं आकार भी नहीं है बस सब कुछ उसी में हो जाता है एक एक सेल में सब कुछ हो जाता है खाने से लेकर छोड़ने तक सारी बातें संख्या बढ़ाने की बातें उसी एक सेल में हो जाती लेकिन सबसे विकसित प्राणी दुनिया का मानव है उसके अपने अपने अवयव है उसका अपना अपना स्थान है अपना अपना फंक्शन है वो सब अलग अलग है लेकिन वो सारा का सारा एक शरीर को एक जीवन को कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग स्थान अलग अलग फंक्शन अलग अलग आकार रूप रंग होने के बाद भी एक शरीर को हम पोषित कर रहे ये जब तक रहता है तब तक आदमी जीवंत रहता है उसमें एबरेशन आने लगा तो फिर पैरालिसिस होता, होता है होता है, आदमी मर जाता है उसमें एक बार होड़ लगी सब इंद्रियों ने सोचा हम ही सबसे प्रमुख है विवाद हुआ ब्रह्मा जी के पास गए आपने शरीर बनाया मनुष्य का बताइए हाथ महत्वपूर्ण नंबर वन कौन है हाथ है कि आंख है कि जबान है कि तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या बताऊं भैया मैंने बना दिया अब ऐसा करो ना आठ आठ दिन छुट्टी लेके चले जाओ जिसके छुट्टी में सब गड़बड़ होगा वो सब नंबर पहले तो पैर चले गए पहली छुट्टी पर सात दिन के बाद वापस आए पूछा कैसे हुआ तो बोले हाँ लंगड़ते रहे लेकिन चल गया जीवन तो चल रहा है हाथ गए तो भी चल गया आँख गई तो भी चल गया जबान गई तो भी चल गया सब का हो गया सब सोचने गए तो प्राणों ने कहा कि अब जरा हम भी हो आते हैं सबसे ज्यादा मेहनत हम ही करते दिखते नहीं बिल्कुल तो प्राण जैसे निकलने लगे वैसे शरीर ऐसा अस्वस्थ हो, हो गया कि प्राणों को वापस आना पड़ा ऐसे दुनिया में ये सारे सारे राष्ट्र है अलग अलग प्रकार के है किसी का तो क्या पर्पज है समझ में भी नहीं आता लेकिन जरूर कोई पर्पज है इसलिए वो है इफ दे हैव नो पर्पज दे विल नॉट एग्जिस्ट अगर एग्जिस्टेंस में है तो इसका मतलब दे आर सर्विंग दे आर टू बी रिस्पेक्टेड प्रोटेक्टेड एक्सेप्टेड और उनको यह सोचना चाहिए हम है अलग है विशिष्ट है श्रेष्ठ भी होंगे कुछ भी होंगे लेकिन हम जो भी है विश्व रूप शरीर के हम अंग है हमको इस विश्व के जीवन को निरामय सुखमय शांति में बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस भाव को अपने उदाहरण से सारे विश्व में उत्पन्न करना यह हमारा दुनिया को जोड़ने का तरीका है हम यूनाइट करें ना करें हम कनेक्ट जरूर करेंगे और वो कनेक्शन ऐसा परमानेंट होगा कि आदमी की मेमोरी फेल कर जाएगी शायद तीन चार हजार साल के बाद फेल कर जाती है सामूहिक मेमोरी ऐसा लगता है हमको तब तक तो वो ठीक ही चलेगा और ये हमको आपको करना है उसमें बात यह है कि हमको आपको करना है विथ ऑनेस्टी ऑफ पर्पज फुल सिंसियोरिटी हमको करना है। आपने कह दिया कि व सिटीजन हम ये मानते हैं कि छात्र ये टुडे सिटीजन है हाँ सिटीजनशिप यानी केवल वोटिंग राइट से शुरू नहीं होती नागरिकता के कर्तव्य तो बच्चे को भी पालन करने पड़ते हैं और देश में जो कुछ होता है उसके उसके जीवन पर भी परिणाम होता है तो उसका भी अपना विचार रहता है तो पूरा वो पूरा परिपक्व न हो अभी तुमको भारत को तो समझते नहीं हो क्यों कर रहे हो भारत को ये पूछने वाले भी समझ रहे क्या पूरा इतना आसान है भारत को समझना लोगों ने जीवन खपाए तो भारत का कुछ कुछ उनके समझ में आ गया ये समझने की बात ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और दुनियादारी के स्तर पर समझदारी है तो मेरा मानना ऐसा है कि उसमें समझदारी बढ़ती है तो आदमी निष्क्रिय हो जाता है आपको अभी कम समझदारी है तो आप बंबई के ट्रैफिक में भी स्कूटर ऐसी चलाएंगे कि लोगों को लगेगा कि आत्मा है इस पर आपका पूरा विश्वास है लेकिन आप थोड़े समझदार हो जाओ तो फिर आप ट्रैफिक लाइट देखने लगोगे और जब रिटायर हो जाओगे जीवन का पूरा अनुभव लेके एकदम समझदार हो जाओगे तब आप क्रॉस करते समय देखेंगे देने आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है बाएं कुछ नहीं है फिर करेंगे कि नहीं यहां से नहीं क्रॉस करते और आगे जाएंगे तो करने की तो उम्र यही है समझदारी बनते चले जाएगी अगर मन में प्रामाणिकता है तो रास्ता निकल आएगा इरादा आपका पाक है तो भगवान राह दिखाएगा आपको जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं तो प्रकृति रा, प्रकृति राह दिखाएगी होती है ऐसी बेंजिन की रिंग बेंजीन का फॉर्मूला आपको मालूम है ना कि नाम का साइंटिस्ट था वो खोज रहा था उसको मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं, मिले नहीं तड़प रहा था इतना उसका इरादा था पक्का और उसके बिना उसको जीना भी हराम होने लगा रात को नींद नहीं आधी नींद में उसको सपना आया सपने में उसको दिखा कि सांपों ने एक दूसरे की पूछ निकली है तीन सांप तो उसको ध्यान में आया आयाजिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री का जन्म वहाँ से हुआ तो किसने रहा बताई लोग कहेंगे भगवान ने बताई जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हो वो इंटन है उसका वो इतना इंटेंस फोकसिंग हो गया कि उसके ब्रेन में से आ गया आंसर ऐसा अपना होगा उसकी चिंता मत करो आप आप इसकी चिंता करो कि हम ऑनेस्ट है, है, है वो हमारे जीवन में है। और हम जो करना है उसके लिए केपेबल बन रहे हैं और किसी के प्रति वैर रखे बिना भिन्न मतों का भी आदर करते हुए प्रेम से सबको जोड़ते हुए भारत को खड़ा करेंगे भारत के साथ दुनिया को खड़ा करेंगे ये अगर इरादा पक्का आपका है तो आज आय्यून के दस वर्ष के प्रारंभ में और भारत के पचहत्तरवें वर्ष स्वतंत्रता के प्रारंभ में हम लोग ये संकल्प कर सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम को प्रत्यक्ष में लाकर भारत विश्वगुरु का स्थान प्राप्त करेगा बहुत बहुत धन्यवाद